अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चों आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके सिंधी की टीचर रुकैया मन्नान, और आज हम पढ़ेंगे अपना सिंधी का सबक। सबक को शुरू करने से पहले आज हम देख रहे हैं कि दिन क्या है और तारीख क्या है। दिन है आज जुम्मा, और आज तारीख है 18 तारीख, 12वां महीना यानी दिसंबर का महीना 2020। चलें बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। आप अपनी बुक को खोल लीजिए। जी बच्चों, अब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई को शुरू करने से पहले आज हम देखेंगे सबक कौन सा है और सफ़ा नंबर कौन सा है। सफ़ा नंबर 12 है और सबक नंबर बुक के हिसाब से 11। सबक यारहून, 11 सबक। ढाल, क्या है ये? ढाल। हियो डगो आहे, हियो डगो आहे, ये बैल है। हिया ढाल आहे, ये ढाल है। हियो हिकड़ो ढक्कन आहे, ये एक ढक्कन है। हिया हिकड़ी धंध आहे, ये एक झील है। धंध, धंध यानी झील। सबक नंबर है हमारे पास 12, 12वां सबक, और सफ़ा नंबर 13, सफ़ा नंबर 13। जी, हिया माड़ी आहे, ये बंगला है। हियो कुकुड़ आहे, ये मुर्गा है। हियो रेड़ो आहे, ये ठेला है। हियो लगड़ो आहे, ये पतंग है। लगड़ो पतंग। सबक तेरहून, सबक तेरहून और सफ़ा नंबर 14। काफ, सिंधी का देखें, काफ है, ये सिंधी का काफ है। इसको काफ को सिंधी में ऐसा लिखा जाता है। हियो किताब आहे, ये किताब है। हिया कुर्सी आहे, ये कुर्सी है। हियो कुत्तो आहे, ये कुत्ता है। हियो केलो आहे, ये केला है। सबक है हमारे पास 14, 14वां सबक, और सफ़ा नंबर है हमारे पास 15। अब यह है सिंधी का लिखा हुआ खाफ। जैसे अब हम उर्दू में लिखते ना काफ, तो ये सिंधी का है खाफ। इसमें हे की आवाज़ आएगी, खाफ। हिया खट आहे, ये चारपाई है। हियो खू आहे, ये कुआं है। हियो खारो आहे, ये टोकरा है। हियो खम्भ आहे, ये पर है। देखिए पर बना हुआ है ना, मुर्गी का या बत्तख का या कौवे का। तो यो खम्भ आहे, ये पर है। अब हमने इसकी पढ़ाई कर ली, अब हम इसको नोटबुक में करेंगे। आप भी अपनी नोटबुक लेकर आइए, टीचर भी आपको नोटबुक में काम समझाएंगी, बताएंगी कैसे आपने काम करना है। जी बच्चों, सबक को नोटबुक में मुकम्मल करने से पहले हम अपने इंडेक्स पर आएंगे। इंडेक्स पर आज हम लिखेंगे नंबर शुमार में, ये हमारा सबक नंबर 4 जा रहा है, और सबक नंबर हम लिखेंगे कि कौन कौन से। सबक नंबर 11, 12, 13 और 14। आज हमने सबक नंबर 11, 12, 13 और 14 को पढ़ा। अब उसको उर्दू तर्जुमे के साथ नोटबुक में लिखेंगे और आज की डेट डालेंगे 18 तारीख, 12वां महीना 2020। जी बच्चों, टीचर ने आपको कॉपी में बताया है कि किस तरह काम करना है। तो आप सबसे पहले ब्लू कलर से यहाँ पर लिखेंगे सबक यारहून, डेट डालेंगे 18 तारीख है आपके पास और दिन है जुमा। यो डगो आहे, ये बेल है। या ढाल आहे, आप तलवार की ढाल लिखेंगे, तलवार की ढाल, तलवार की ढाल। जी, हियो हिकड़ो ढक्कन आहे, ये एक ढक्कन है। हियो हिकड़ी धंध आहे, ये एक झील है। हिया माड़ी आहे, ये बंगला है। हियो कुकड़ आहे, ये मुर्गा है। हियो रेड़ो आहे, ये ठेला है। हियो लगड़ो आहे, ये पतंग है। इसी तरह सफ़ा नंबर अगला खोलेंगे और नोटबुक में आप इसी तरह सबक नंबर 13। यो किताब आहे, ये किताब है। यो कुर्सी आहे, ये कुर्सी है। यो कुत्तो आहे, ये कुत्ता है। यो केलो आहे, ये केला है। सबक 14, आप तारीख लिखेंगे और दिन लिखेंगे। यो खट आहे, ये चारपाई है। यो खू आहे, ये कुआं है। यो खारो आहे, ये टोकरा है। यो खम्भ आहे, ये पर है। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और आपको पढ़ना भी समझ में आ गया होगा। आपने इसे नोटबुक में बहुत अच्छे से सफाई के साथ काम करना है, और आपका होमवर्क भी यही है कि आपने नोटबुक में कंप्लीट करके इसे याद भी करना है। अब आपसे आपकी टीचर इजाज़त चाहती हैं। मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपसे अल्लाह हाफिज़।